हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। ये देखिए, गुलाब जामुन का एक पैकेट है, उसे हम एक बाउल में ले लेंगे। पूरा एक पैकेट का गुलाब जामुन हम बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाएंगे, बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। एक पैकेट है ये पूरा। ये देखिए दूध है, इसमें जो मलाई है चारों तरफ, ये देखिए मलाई है, इसे हम डालेंगे। ये पूरी मलाई निकाल कर हम डाल देंगे। जितनी मलाई है पूरी मलाई डाल देंगे। मलाई से ही गुलाब जामुन को मिक्स करना है, बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। पूरी मलाई निकाल चुके, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिला चुके हैं हम। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा ही डलेगा, नहीं तो गीला हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सूखा ही रखना है बैटर। ये देखिए बैटर इतना ही सूखा होगा। अब इसको हम 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। इधर हम 4 इलायची लिए हैं, उसको भून लेंगे अच्छे से। भून कर उसको कूट लेंगे उखली में। भून कर इलायची जल्दी से कूट जाता है। ये देखिए उखली में डालकर इसको अच्छे से महीन पाउडर बना लेंगे। इधर कढ़ाई रख दी है, उसमें हम 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। एक बड़ा गिलास ये पानी डाल दिए हम, एक गिलास और डालेंगे। देखिए 2 गिलास पानी डाल चुके। इधर इलायची भी अच्छे से हमने महीन पाउडर बना लिया है, उसको डाल देंगे हम। चीनी हमने 3 पाव चीनी डाल दी है, आधा किलो, और 250 ग्राम 2 गिलास पानी डालकर 3 पाव चीनी डाल देंगे। और इलायची पाउडर भी हमने डाल दी है। इसको चलाते हुए पकाएं या फिर चीनी जब मेल्ट हो जाए। देखिए चीनी जब मेल्ट हो जाएगी, बस चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, केवल चिपचिपाई पकाना है। चीनी मेल्ट नहीं हुई, इसको चलाते चलाते ही मेल्ट करेंगे। इधर हम जो रसगुल्ले का आटा लगाए थे वो देखेंगे। ये देखिए एकदम सूखा है ये। इसको अच्छे से मिलाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से चिकना करना है। ये देखिए चम्मच से चिकना कर, यहाँ पर हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए चिकना करते करते ये इतना हो गया है। हम आपको पास से दिखा रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। चम्मच से हम कर रहे हैं चिकना आटा को। ऐसे चिकना करेंगे तभी वो गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। इधर हम चाशनी भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो चुकी है, चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसको भी पकाना है, अभी ये चाशनी तैयार नहीं हुई है पककर। इसे चिपचिपा होने तक पकाएं। इधर हम आपको आटा ये दिखा दे रहे, चिकना हो गया था। इतना बड़ा उठाएंगे, छोटा सा बॉल टाइप हाथ में रखेंगे। हाथ में आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, फिर ऐसे गोल बनाना है। ये देखिए इतना गोल बनाए हैं। ऐसे छोटे छोटे सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इधर हम चाशनी को चेक कर लेंगे। ये देखिए चाशनी पककर तैयार है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, थोड़ा ठंडा। हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए हम आपको दिखाएंगे कितना गाढ़ा बना है। ये देखिए छूने पर ही पता चल रहा है, ये कितना चिपचिपा बना है ये। ऐसे ही चाशनी आपको भी बनानी है।
इधर हमने कढ़ाई रख दी है गुलाब जामुन तलने के लिए, हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, तेल को गर्म होने देंगे हम। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए। देखिए सारे बॉल्स हम बना लिए थे, ये देखिए कितना मीडियम पर तेल हमने गर्म किया है, इतना ही तेल गर्म होना चाहिए। सारे गुलाब जामुन हम डाल देंगे, धीमी आंच पर ही इसको पकाना है। ये देखिए सारे गुलाब जामुन हमने डाल दिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। हम आपको दिखाएंगे इसमें एक भी गुलाब जामुन फटेगा नहीं। हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको धीमी आंच पर ही ऐसे चलाते हुए तलेंगे, बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। देखिए गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अगर आप चाहें तो थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। ये देखिए इतना डार्क हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये भी गुलाब जामुन निकाल लेंगे, ये देखिए दूसरा भी हमने डाल दिया था, उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे, मीडियम आंच पर ही तलना है। ये एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गुलाब जामुन हैं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एकदम मीडियम साइज पर है। मन कर रहा है ऐसे ही खा लो एक गुलाब जामुन, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हम आपको पास से दिखा रहे हैं, एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं। सारे गुलाब जामुन हम निकाल लेंगे, और जितने गुलाब जामुन हैं उसे भी हम ऐसी धीमी आंच पर तल लेंगे। सारे गुलाब जामुन, ये देखिए इतने गुलाब जामुन हमने तल लिए थे। ये देखिए सभी गुलाब जामुन हम बना लिए, हम आपको एक गुलाब जामुन उठाकर दिखा रहे हैं, ये भी गुलाब जामुन फटे नहीं हैं। ये देखिए गरम चाशनी दोबारा गरम कर रहे हैं, ठंडी हो गई थी तो ये देखिए चाशनी हम गरम कर रहे हैं, ज़्यादा गरम नहीं करना है, नॉर्मल पर गरम होना चाहिए, जैसे कि चाशनी अच्छे से डूब जाए। देखिए ज़्यादा गरम पे नहीं है, नॉर्मल पे है। सारे गुलाब जामुन हम डाल देंगे, ये देखिए सारे गुलाब जामुन हम डाल दिए हैं। अब इसको हम एक घंटे बाद आपको दिखाएंगे थोड़ा ठंडा होने पर। ये देखिए एक घंटा हो गया था, हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। बहुत ही अच्छे जो गुलाब जामुन बने हैं, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक गुलाब जामुन हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, इनकी चाशनी भी एकदम परफेक्ट बनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। देखिए हम ये देखिए चाशनी देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए गुलाब जामुन अंदर तक एकदम स्पॉन्जी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।